morning children, how are you? Hope you are fine. Okay, today we will start with comprehension practice 1, your page number 29. Now let us start. What is the method, what is the rule of comprehension passage? इसमें रूल ये होता है कि कोई भी एक पैसेज या स्टोरी आपको दी होती है उसको आपको पढ़ना पड़ता है. यू हैव टू रीड इट केयरफुल्ली, बहुत ध्यान से उसको पढ़ना होता है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स, वॉट एवर इट इज आस्किंग, आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, है ना. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन. तो ये कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस 1 है हम लोगों का, है ना. पेज नंबर 29. Read this passage. One day, a wise man decided to test his pupils. एक दिन की बात है. Wise का मतलब होता है बुद्धिमान, है ना. एक बुद्धिमान आदमी, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि टीचर, है ना. Pupils का मतलब होता है शिष्य, यहाँ पे उसका मतलब हो गया उसके स्टूडेंट्स. तो वो अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना चाहता है. He called two of them. दो को वो बुलाते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा. दो को वो बुलाते हैं और कुछ पैसे देते हैं. गिव देम सम मनी. ही सेड, डू यू सी दोज रूम्स एट द एज ऑफ द फील्ड. वो बोलते हैं कि क्या आप उस फील्ड के एक रूम को देख रहे हैं, लास्ट वाले रूम को. आई वॉन्ट टू यू फिल देम अप विथ वॉट एवर यू कैन. आपको जो भी समझ में आया उससे उसको मैं चाहता हूँ कि आप उससे भर दो. ईच ऑफ यू शुड फिल वन रूम. आप सबको एक एक रूम फिल करनी है. दो लोगों को वो बोला था. दिस इज़ वेरी लिटिल मनी आई नो. मुझे पता है कि ये बहुत कम पैसे हैं. बट यूज़ इट टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड फिल अप द होल रूम. आपको अपने अपने काबिलियत के हिसाब से ये पूरा रूम को फिल कर देना है, फुल कर देना. द टू पीपल्स वेंट टू द मार्केट प्लेस एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स टू बाय. दोनों जो शिष्य थे उनके, वो जाते हैं मार्केट में और वहाँ पे सोचते हैं कि क्या लिया जाए. द फर्स्ट पीपल फाउंड अ शॉप सेलिंग हे एंड थॉट. हे का मतलब होता है पुआल, है ना. तो वो घास था, उसको वो देखता है और सोचता है एक दुकान पे. हे इज चीप. वो सोचता है कि पुआल जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है. प्लस इट मे फिल अप द एंटायर रूम. और दिमाग से वो काम लेता है कि चलो ये तो पूरे रूम को भर देगा और बहुत सस्ता भी है. सो ही बॉट ऑल द हे and carried it to the room. वो सारा वो hay ले लेता है, खरीद लेता है वो पुआल और लेकर के जाता है, पूरे रूम को भर देता है. In the evening, he showed the teacher the room. शाम होता है तो वो अपने सर को वो रूम दिखलाता है, अपने टीचर को दिखलाता है. सर, I have filled the room, he said. बोलते हैं कि मैं पूरा रूम भर दिया हूँ सर. Yes, the teacher replied with greater glow. वो बोलते हैं अच्छा किए हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तुम खुश तो नहीं हो ना. मैं खुश हूँ. ये ग्लूम का मतलब होता है उदासी. ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक लग रहा है लेकिन रूम फिर भी उदास दिख रहा है. देन दे वेंट टू द अदर रूम. अब वो दूसरे रूम में जाते हैं, दूसरे शिष्य को देखने उसने क्या भरा. इन द मिडल ऑफ द रूम वॉज जस्ट वन टॉल कैंडल. वो पूरे रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा कैंडल रख दिया था. As they entered, the second pupil lit the candle. Lit का मतलब होता है जला देना, है ना. तो वो मोमबत्ती को जला देता है. Immediately, its light spread all around the room. उसके बाद क्या होता है, पूरे रूम में वो धीरे धीरे पूरे रूम में वो लाइट फैलने लगता है, उजाला फैलने लगता है. You have done well, the teacher replied. वो टीचर बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. Where it was dark, you made it bright. जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था आप बिल्कुल उसमें उजाला भर दिए, रोशनी भर दिए. वेयर इट वॉज एम्प्टी यू फिल्ड इट लाइट. जहाँ भी खालीपन था वहाँ पे आपने पूरे उजाला, मतलब रोशनी से आपने प्रकाश से भर दिया है. तो इसमें दोनों में से कौन ज़्यादा होशियार आपको लगा. हु वॉज वाइज. यस ऑब्वियसली सेकेंड वन. तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसन है. इसके इससे रिलेटेड यू हैव टू डू एक्सरसाइज ए, दैट इज राइट ट्रू और फॉल्स. And exercise B, choose the correct answers and fill in the blanks. You have to do book work and then afterwards I'll send you answer.